हेलो एवरीवन, तो आज हम OBSC फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है यानी कि क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं बेंथम और हुकर के अनुसार। तो इसका जो प्रभाग होगा, डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म यानी कि इसके जो बीजाणु वो ढके हुए होते हैं, ओव्यूल कवर्ड होंगे। वो प्रभाग होगा डाइकोटिलिडंस, मतलब कि इसमें बीजपत्र दो होते हैं। जो फ्लोवर होगा वो कैसा होगा, पंचतई होता है यानी कि पेंटामॉर्फस होगा। वर्ग होगा इसका गेमोपेटली, जो बाह्य दलपुंज है और जो दलपुंज है वो कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं यानी कि साफ साफ दिखाई देते हैं अलग अलग, और संयुक्त होते हैं यानी कि जो सेपल और पेटल होते हैं, जो इनकी एक यूनिट होती है सेपल और पेटल, बाह्य दल की होती है सेपल और दल की होती है पेटल, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी जो श्रृंखला है सीरीज वो होती है इनफेरी। इनफेरी मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो अंडाशय होता है वो अधोवर्ती होता है, मतलब कि जो अन्य जो ऑर्गन्स हैं जैसे पुमंग हैं और स्टेमन हैं, ये सब क्या होंगे, ऊपर होंगे, और जो अंडाशय होगा ओवरी होगी वो नीचे होती है। इसका ऑर्डर होता है रूबियल्स, मतलब जो प्लांट्स हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, वृक्ष या छुप होते हैं यानी कि ट्रीज या फिर झाड़ी के रूप में। इसका जो गण होता है, मतलब ऑर्डर कैसा होगा, रूबियल्स होगा यानी कि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, वृक्ष होते हैं या छुप होते हैं यानी कि ट्रीज या सर्प के रूप में पाए जाते हैं। इसकी जो कुल है फैमिली वो होगी रूबियेसी। तो इसके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जो प्लांट होगा वो अधिकतर कैसा होता है, वृक्ष होता है, काष्ठीय, आरोही या छुप होता है, मतलब कि कैसा होगा, ट्री होगा या तो, या फिर वुडी होगा, मतलब ट्री होगा तो कैसा होगा, वुडी होगा यानी कि इसका जो स्टेम है वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होता है। आरोही होगा मतलब कि ये किसके ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर, जैसे कोई वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ने वाला भी हो सकता है और झाड़ी के रूप में भी हो सकता है। लीव्स हैं पत्तियाँ, वो अधिकतर सम्मुख होंगी, क्रॉसवत होती हैं यानी कि कैसी होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख पाई जाती हैं। अनुपर्णी अंतर या अंतरा वृंतक, यानी कि इसके अंदर जो अनुपर्ण पाई जाती है वो कैसी होगी, अंतरा वृंतक होती है, मतलब कि ये जैसे इसका लीव का वृंत है तो इसके ऊपर ये यहाँ पर बीच में पाई जाएगी जुड़ी हुई, तो इस अनुपर्ण को हम क्या बोलते हैं, अंतरा वृंतक। पुष्प क्रम होगा वो द्विशाखी सहसीमाक्ष होता है, मतलब कि एक एंड पर अगर एक जो फ्लोवर लगेगा उसके बाद में उसमें क्या होगा, वृद्धि रुक जाती है, फ्लोवरिंग बंद हो जाती है, और द्विशाखी होता है मतलब इस तरह से दो शाखाएं निकलकर इसमें फ्लोवर्स लगते हैं। फ्लोवर है वो उभयलिंगी ऊपरी जायांगी होता है, यानी कि उभयलिंगी का मतलब है इसके अंदर दोनों जो सेक्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, नर और मादा, ये नर है ये मादा है, तो ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऊपरी जायांगी होता है, तो अभी बताया था इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो नीचे होगा और अन्य जो फ्लोवर के पार्ट्स हैं जैसे पेटल, सेपल और स्टेमन है, ये ऊपर होंगे। पुंकेसर है, पुंकेसरों की संख्या दल पत्रों की संख्या के समान होती है, मतलब जितनी संख्या इसके अंदर कोरोला की होगी उतनी ही संख्या इसमें पुंकेसर की यानी स्टेमन्स की होंगी। जायांग गायनोसियम क्या होगा, द्विअंडपी होता है यानी कि इसके अंदर दो अंडप होंगे, संयुक्त अंडपी जो जुड़े हुए होते हैं, अधोवर्ती होता है और स्तंभीय, इसके अंदर बीजांडन्यास पाया जाता है। फल है वो अधिकतर पट या कोष्ठ विदारक कैप्सूल होता है, तो इसके अंदर जो फल होगा, फ्रूट होगा, वो कैसा होगा, कैप्सूल के रूप में होता है। कैप्सूल का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे बीज प्रेजेंट होंगे और ये क्या होगा, जल्दी से फूटने वाला, मतलब स्फुटनशील होता है और सरल प्रकार का होता है। अभी हमने कैरेक्टर्स देखे थे वो रूबियेसी फैमिली के थे, अब हम देखते हैं कॉमन प्लांट ऑफ रूबियेसी फैमिली। तो इसके कॉमन प्लांट्स हैं कॉफ़ी है, कॉफिया अरेबिका, तो इसको हम कॉफ़ी फैमिली भी कहते हैं। सिनकोना, सिनकोना का होता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। फिर है कदम्ब, कदम्ब को बोलते हैं एंथोसिफेलस कदम्बा,
तो ये इनके बॉटनिकल नेम्स हैं। लाल रंग का होगा रूबिया टिंक्टोरिया, और हेमेलिया का होता है हेमेलिया। और इसकी अन्य स्पीसीज होती हैं, हेमेलिया की और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हेमेलिया है उसके कैरेक्टर्स और उनका जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन है उसको देखेंगे। तो रूबियेसी फैमिली में हेमेलिया जो इसका प्लांट है एक सदस्य है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो हैबिट होती है वो कैसी होती है, ये सदा हरित होता है, यानी कि ये हमेशा ही हरा रहेगा, कभी सूखता नहीं है, मतलब ज़्यादा दिनों तक ग्रीन रहता है। छुप होता है, मतलब ये झाड़ी होता है। और तना इसका कैसा होता है, एरियल वाइवीय, मतलब कि भूमि से ऊपर होगा। शाखित होगा, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज पाई जाती हैं। बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल। ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर की ओर ये सीधा होता है, इरेक्ट। रोमिल मतलब इस पर हेयर प्रजेंट होते हैं। काष्ठीय होता है, मतलब इसका जो स्टेम है वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा और कठोर होता है, ठोस होता है। फिर इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, शाखीय एवं स्तंभिक। तो शाखीय और स्तंभिक का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होगा, जो लीव्स हैं वो मेन स्टेम पर भी प्रेजेंट होती हैं और जो शाखाएं होती हैं ब्रांचेज उन पर भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं रोमल एंड क्यूलाइन। सरल होंगी, यानी कि सिंपल प्रकार की इसके अंदर लीव्स पाई जाती हैं। चक्रिक होती हैं, यानी एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होंगी। प्रत्येक पर्व संधि पर तीन या अधिक पत्तियाँ उपस्थित, मतलब कि जो पर्व संधि होती है, पर्व संधि किसे बोलेंगे, जैसे ये इसका स्टेम है तो ये इसकी जैसे नोड है, जहाँ पर पत्तियाँ लीफ प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं नोड। दूसरे नोड से लेकर पहले नोड और दूसरे नोड के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो ये जो नोड है इसके ऊपर कैसी होती हैं, तीन या अधिक पत्तियाँ उपस्थित होती हैं और वो एक चक्र के रूप में होती हैं। सव्रंथ होती हैं, मतलब इसके अंदर जो व्रंथ है पीटियोल वो पाया जाता है। अनुपर्णी मतलब इसके अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल कैसे होते हैं, अंतरा व्रंथक होते हैं, मतलब कि ये बीच में प्रेजेंट होते हैं, दो पत्तियों के बीच में। अनुपर्ण है वो अंडाकार होगा। जो अनुपर्ण होती है वो कैसी होती है, ओवेट होती है। किनारे इसके अच्छिन्न होते हैं, मतलब कि जो किनारे हैं वो कैसे होंगे, सिंपल होते हैं, बिना इसमें कोई भी मतलब धारी वगैरह इस तरह से नहीं होते, बल्कि सिंपल होते हैं, अच्छिन्न होते हैं। शीर्ष है वो एक्यूट होता है, मतलब कि तीखा होगा। एक सिर या जालिकावत सिरा विन्यास इसके अंदर पाया जाता है, मतलब कि एक मेन सिरा होती है और जालिका के रूप में इसके अंदर क्या होगा, सिरा विन्यास पाया जाता है। जो मेन सिरा है उससे और अन्य सिराएँ निकलती हैं। इनफ्लोरोसेंस है इसका पुष्पक्रम, वो सेसिमाक्स होता है, साइमोस टाइप का। सेसिमाक्स का मतलब होगा कि इसके अंदर जो पुष्प लगते हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे इस तरह से लगने स्टार्ट हुए, फिर जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर एक लगने के बाद में इसमें क्या होगा, फ्लावर लगने बंद हो जाते हैं, यानी कि लिमिटेड लगते हैं। पुष्प है वो कैसा होगा, इसके अंदर छोटा व्रंथ उपस्थित होता है, मतलब कि जो इसका व्रंथ होता है, मतलब पेडिकल होता है फ्लावर का, वो छोटा होता है, तो इसके लिए हम इसको सब सेसाइल बोलते हैं। सहपत्रहीन होता है, मतलब इसके अंदर जो सहपत्र है वो अब्सेंट होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। सहपत्रिकाहीन, जो सहपत्रिका है वो भी अब्सेंट होती है, तो इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टियोलेट। पूर्ण होता है, मतलब इसके अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बाईसेक्सुअल होगा, यानी कि दोनों लिंग इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। रिज्या सममित होता है, मतलब कि इसको कहीं से भी काटेंगे तो हम क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पर सी आएगा, ACTINOMORPHIC। पंचतई होता है, यानी कि पेंटामेरस होगा, जिसके अंदर पांच जो कोरोला है पांच ही उसके अंदर क्या होंगे, कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। जायांगोपरिक होता है, एपिगाइनस, और चक्रिक होता है। बाह्य दल पुंज कितने होंगे, इसमें पांच बाह्य दल होते हैं। कैलिक्स की एक यूनिट क्या होती है, सेपल, तो इसके अंदर पांच सेपल होंगे। संयुक्त बाह्य दल ही होता है, गेमो सेपलस, मतलब कि जो सेपल हैं वो आपस में
जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली। दलाद होगा यानी कि पीटे लोइड होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, इनका जो किनारा है वो स्पर्श करता है, चिर लग्न और नारंगी, मतलब इनका जो कलर होगा वो नारंगी कलर होता है और ये लंबे समय तक लगे रहते हैं, मतलब कि इनमें फ्रूट बनने के बाद में भी ये अब्सेंट प्रेजेंट रहते हैं। दल पुंज है तो इसके अंदर 5 पेटल होते हैं, संयुक्त दली होगा गेमोपेटलस, उसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, नलिकाकार होता है, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। व्यावर्तित इसमें दल विन्यास होता है, मतलब जो ट्विस्टेड इसके अंदर क्या होगा, दल का विन्यास होगा, तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। पुमंग है एंड्रोसियम, इसके अंदर 5 होते हैं पुंकेसर, दल के एकांतर यानी कि जो पेटल्स हैं उनके अल्टरनेट लगते हैं, एक छोड़कर एक। दल लग्न होते हैं मतलब कि पेटल से जुड़े हुए होंगे। वो तंतु इसमें छोटा होता है यानी कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है, जैसे ये पूरा स्टेमन है, इसके अंदर ये पराग कोष हैं, ये इसका फिलामेंट होता है, तो ये फिलामेंट इसके अंदर कैसा होता है, शॉर्ट होता है। पराग कोष हैं वो लंबे होते हैं, मतलब कि जो ये पराग कोष हैं ये इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। द्विकोष्ठी होगा यानी कि इसके अंदर क्या होता होता है, 2 कोष्ठ पाए जाएंगे, डाइथिकस होगा। आधार लग्न होता है मतलब कि ये आधार से जुड़े हुए होते हैं और येलो कलर का होता है। जायांग है फिर गायनोसियम, गायनोसियम कितने होंगे इसमें, 5 पंच अंडपी मतलब पेंटा कार्पलरी संयुक्तांडपी सिन कार्पस, मतलब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, पंच कोष्ठी होते हैं, इनके अंदर 5 लोक्यूल पाए जाते हैं, पेंटा लोक्यूलर। अक्षीय बीजांडन्यास होता है एग्जाइल, जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है अंडाशय, इसके अंदर होगा अधोवर्ती मतलब इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। वर्तिका और वर्तिकाग्र सरल प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो स्टाइल और स्टिग्मा होती हैं वो सिंपल टाइप की होती हैं। अभी हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, तो ये एक फ्लोवरिंग ट्विग है, मतलब कि पुष्पीय एक डाली है जिसमें क्या है, ये लीफ लगी हुई हैं जो किस्में हैं 3 हैं और चक्र के रूप में लगी हुई हैं, ये इसके फ्लोवर हैं और स्टेम। फिर इसकी जो फ्लोवर है उसका LS है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लोवर, तो इसको लंबाई में काट करके दिखा रखा है जो फ्लोवर है उसको। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओवरी है इसकी, इन्फेरियर है, सेपल, सेपल क्या होते हैं जो कैलिक्स हैं उसकी एक यूनिट है सेपल। फिर इसके अंदर जो गाइनोसियम है उसकी स्टाइल, फिर स्टिग्मा, फिर जो कोरोला है वो कैसे होते हैं, ट्यूब्युलर होते हैं यानी कि ट्यूब जैसी शेप के होंगे। जो एंथर है वो कैसे होते हैं, इसके अंदर लंबे होते हैं, मतलब कि जो पराग कोष होता है पोलन ग्रेन जिसके अंदर पाए जाते हैं पोलन सेक, तो वो वाला पार्ट इसका एंथर है वो क्या होता है, लंबा होता है, और जो फिलामेंट है वो छोटा होता है। जो अन्य जो फ्लोवर्स होते हैं तो उसके अंदर जो फिलामेंट है वो लंबा होता है और स्टेमन इसके अंदर छोटे होते हैं। अब जो TS ऑफ ओवरी है तो इसके अंदर क्या है, ओवरी वॉल, फिर ओव्यूल है और लोक्यूल, इसके अंदर कितने, 5 लोक्यूल पाए जाते हैं, ये पेंटा लोक्यूलर होता है और ओव्यूल में ये 2-2 के रूप में प्रेजेंट हैं, और एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है यानी कि अक्षीय जो इसके अंदर प्लेसेंटेशन है वो पाया जाएगा। ये एक क्या है, पुंकेसर है, एंड्रोसियम का पार्ट एंड्रोसियम, तो इसके अंदर कनेक्टिव डाइथिकस एंथर है और ये फिलामेंट। अब इसका जो फ्लोरल डायग्राम है वो देख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या है, ये कैलिक्स है सबसे बाहर की ओर, सॉरी इसको कैसे, जो कैलिक्स है उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कोरोला है उसको C से करते हैं, जो एंड्रोसियम होते हैं उनको A से, और गाइनोसियम G। तो जो कैलिक्स हैं वो 5 हैं और आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए होते हैं,
कोरोला हैं, कोरोला भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर इसके अंदर एंड्रोसियम है, तो स्टेमन होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं। फिर इसकी जो गाइनोसियम है वो कैसी होगी, एपी गाइनस होता है ये। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है हेमिलिया का। इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो है एक्टिनोमॉर्फिक बाई, मतलब द्विलिंगी होगा, तो उसको हम किससे शो करते हैं, इस चिन्ह से, सिंबल से शो करते हैं। कैलिक्स है, फाइव है, ब्रैकेट में है, मतलब ये जुड़े हुए हैं। कोरोला है, इसको भी ब्रैकेट में दिखा रखा है, तो पांच हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोसियम पांच, ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इनको ब्रैकेट में शो नहीं किया है, ये अलग अलग रहते हैं। जो कोरोला है और एंड्रोसियम है, मतलब कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हमने शो कर रखा है। फिर जो गाइनोसियम है वो पांच होते हैं, और ओवरी है वो एपिगाइनस होती है।